सचिन कुमार जो कैमरामैन है वो मेरे साथ कितना 8 साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री हम किया था एक साथ, और मुझे उनका फ्रेमिंग बहुत अच्छा लगा था तब से, एंड मेरा दिमाग पे रहा था कि उनके साथ फिर काम करना है। फिर माय ब्रदर निखिल पे मेरा एक दूसरा दोस्त के साथ मैंने फिल्म किया अरविंद, तो मेरा बहुत इच्छा था कि ये फिल्म भी मैं उनके साथ करूँ, लेकिन वो दूसरा और एक फिल्म कर रहा था। और जब मैं सोचा किसके साथ करूं, अरविंद नहीं अवेलेबल, तो फर्स्ट नेम जो मेरा नाम आया वो सचिन का ही नाम बारे में सोचा, जिसको मैं एक्सीडेंटली 2-3 दिन पहले बरिस्ता में मिल रहा था। तो हम लोग दोनों ने क्या, लिसन वी हैव टू वर्क टुगेदर, तो इट वाज लाइक एन एक्सीडेंटल मीटिंग, एंड मैं कोई दूसरा किसी के पास नहीं गया। बहुत लोगों ने बोला अच्छा आप जाके उनका काम तो देख लो, वो इस फिल्म किया उस पर, ऐसे मुझे नहीं देखना है। मुझे मालूम है कि एक ट्रस्ट है और एंड आई वॉन्ट टू वर्क विथ हिम, एंड आई थिंक दैट हेल्प्ड। मैं किसी उसका और दूसरा काम भी नहीं देखा, मैंने उसके साथ काम किया वो डॉक्यूमेंट्री में, उससे मेरा ट्रस्ट था। एंड अगेन उनका जो है ये फिल्म वो एक जॉब के हिसाब से नहीं कर रहा था, वो कर रहा था कि उनका भी इट्स हिज फिल्म ऑल्सो, उनका भी फिल्म है, खुद का फिल्म है, तो इतना आई थिंक ही अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड विजुअली, मैं क्या चाहता हूँ, कलर स्कीम्स एवरीथिंग वी डिस्कस, बहुत डिटेल से हम बात किया, वो उससे समझा और मैंने जो सोचा उससे भी ज़्यादा उसको खूबसूरत बनाया। एंड आई थिंक दैट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन, कि आप हर आदमी जो आपके साथ काम करता है क्रू को, उसको वो स्पेस दो कि वो खुद का, ऐसा आप सोचेंगे कि मैं जो सोचता हूँ यही बेस्ट है, तो आपका जो स्कोप रहता है कि दूसरा किसी का आइडिया से वो और बेटर हो सकता है, वो बंद हो जाता है। तो इफ़ यू गिव दैट स्पेस इट बिकम्स ओनली बेटर, क्योंकि कोई क्यों अपना काम हार्म करे। सो आई थिंक दैट इज़ हैपेंड। फिल्म बेस्ड है बॉम्बे। मुझे लगता है कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टर, बिकॉज सब जो मेरा एक्टर्स है उनको पहचान है कि उन लोग अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छा ये, तो मेरा स्ट्रेंथ मुझे लगता है गुड स्टोरी, अच्छा कहानी है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, तो एंड म्यूज़िक इज़ नाइस एंड ऑल, बट आई थिंक द मेन थिंग इज़ गुड परफॉर्मेंस एंड ए गुड स्टोरी। आप लोग का ज़्यादातर ओरिजिनल स्टोरीज और अलग से स्टोरीज इतना तो देखने को नहीं मिलता है, तो उम्मीद है कि लोग को कुछ अलग कहानी और अच्छा परफॉर्मेंस देखने आएगा।